राजद के कद्दावर नेता एवं बाहुबली, राजद के कद्दावर नेता एवं बाहुबली शहाबुद्दीन, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां पहले से ही कई मामलों में उनको जेल हो चुका है, तिहाड़ में है, वहीं कई मामलों में उनकी सुनवाई उनके फेवर में नहीं जा रही है। कुछ दिनों पहले उन पर एक भाजपा के नेता का हत्या का आरोप लगा था। इस नेता को उन्होंने अपहरण करके उसकी हत्या की थी, ऐसा कहा गया था। इस मामले में जब सुनवाई हुई तो मृतक के भाई ने इनके खिलाफ साक्ष्य उपस्थित किए और बयान दिया कि उसके समक्ष ही इन्होंने उनके भाई की हत्या की थी। मृतक योगेंद्र पांडे के भाई राधेश्याम पांडे ने ये बात स्पष्ट की है कि शहाबुद्दीन ने उनके भाई की हत्या की है। इस मामले में राजनीतिक मोड़ आने वाले समय में निकाला जाएगा। इस मुद्दे पर शहाबुद्दीन को कोर्ट परिसर में जब साक्ष्य उपस्थित किए गए तो दोषी करार दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। शहाबुद्दीन का आज एक और मामला सामने आएगा। राजदेव हत्याकांड में शहाबुद्दीन की फिर से आज पेशी की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शहाबुद्दीन का एक बार फिर से बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस मामले में 20 अन्य लोगों पर भी जो मुकदमा है उन पर भी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मुकदमा कार्रवाई चलाई जाएगी। अब इसके बाद ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है शहाबुद्दीन पर इन सभी मामलों के सामने आने के बाद कितना और प्रेशर बनता है। फिलहाल शहाबुद्दीन के बाहर आने की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य हैं, मगर फिर भी जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, इन मामलों को देखते हुए उनके बेटे का सिवान में घूमना, उसामा का, ये साबित करता है कहीं ना कहीं राजनीतिक जमीन तलाशी जा रही है। एक तरफ उनकी पत्नी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, वहीं उनका बेटा लंदन से सिवान आया है माँ की तबीयत खराब होने की वजह से और बूढ़े दादा से मिलने के लिए सिवान गया है। शहाबुद्दीन के बेटे के सिवान और पटना आने के दौरान राजनीतिक हलचल जिस तरह से बढ़ी थी, उस तरह से लगा था कि शायद वो चुनाव खुद लड़ेंगे, मगर बाद में जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, मैं अभी राजनीति में रुचि नहीं ले रहा हूँ, अगर चुनाव लड़ना भी होगा तो माँ लड़ेंगी। खैर, इस मुद्दे पर ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं। और दूसरी बात यह है कि शहाबुद्दीन के ऊपर जो शिकंजा है कानून का, वो कसता जा रहा है। कई मामलों में जहां पहले से ही वो सजा याफ्ता हैं, वैसे ही कई और अन्य मामले जो सामने आ रहे हैं जिनमें उनको अभियुक्त बनाया गया है, इसमें भी गवाहियां हो रही हैं। भाजपा नेता हत्याकांड में उनको दोषी करार दिया जा चुका है। हालांकि इस मामले में अभी सुनवाई बाकी है एक और बार, मगर मृतक के भाई ने जब साक्ष्य उपस्थित कर दिया है और ये कह दिया है कि हत्या शहाबुद्दीन ने उनके सामने ही की थी, तो बातें बिगड़ जाती हैं। शहाबुद्दीन को जेल में बहुत लंबे अरसे तक रहना पड़ सकता है। फिलहाल खबर यही है और न्यूज़ बिहार पर आप बने रहिए। बाकी खबरों के लिए हम खबरों के साथ लगातार आपको अपडेट रखेंगे। बिहार की हर हलचल आप तक पहुंचती रहेगी। बने रहिए न्यूज़ बिहार पर। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।